हेलो एंड वेलकम टू अभिजायस। मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको आपके पसंदीदा चैनल अभिजायस में दोबारा से स्वागत करता हूं। हिंदू धर्म में तीन रात्रियों का बहुत अहमियत है। पहली रात्रि मां दुर्गा के लिए काल रात्रि, जो नवरात्रों के टाइम मनाते हैं, अष्टमी वाले दिन, दुर्गा अष्टमी वाले दिन जो रात्रि मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, मां काल रात्रि का। दूसरा, जब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी वाले रात्रि का बहुत इंपॉर्टेंस है। और तीसरी जो थर्ड है वो महाशिवरात्रि का। तो आज हम महाशिवरात्रि का इंपॉर्टेंस जानेंगे और इसके लिए मेरे साथ बने रहे 5 से 7 मिनट तक, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा शिवरात्रि का इंपॉर्टेंस क्या है, हिंदू धर्म में इसका महात्म्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्कुल आपको क्लियरली समझा दूंगा। और हमारे लाइफ में हमें क्या इससे सीखना है और क्या हमें अपने अंदर इनकलकेट करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। तो एक बार, और शिवरात्रि का जिक्र जो है वो स्कंद पुराण में हुआ है। हिंदू धर्म में अगर हम कहें, स्कंद पुराण में शिवरात्रि का जिक्र है, शिवरात्रि का जिक्र लिंग पुराण में है, पद्म पुराण में है, शिव पुराण में है, यहां सब पे शिवरात्रि का जिक्र है। तो देख लेते हैं शिवरात्रि का महात्म्य क्या है। एक बार क्या होता है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में बहस छिड़ जाती है कि महान कौन है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं और एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, आप जगह छोड़ो, मैं जाऊंगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि का पालनहार हूं, मैं महान हूं, इसीलिए आप हटो, मुझे जाने दो। तो दोनों में इस तरह से बहस छिड़ जाती है। तो उन दोनों के बीच में ना एक शिवलिंग होता है और वो शिवलिंग ऊपर की तरफ भी दिखता नहीं, कहां तक गया है, नीचे की तरफ भी नहीं दिखता। तो दोनों में यह तय होता है कि जो वो शिवलिंग का अंत, एंड पॉइंट तक जाएगा और वापस ग्राउंड जीरो में आ जाएगा, जहां से स्टार्ट किए, वो महान है। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो अपने राजहंस की सवारी करूंगा, राजहंस की सवारी करके मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं ऊपर के छोर की तरफ जाऊंगा। विष्णु भगवान मान जाते हैं। तो वो विष्णु भगवान क्या करते हैं, बराह का रूप लेते, बराह का रूप, और वो नीचे की तरफ खोदते हुए चले जाते। विष्णु भगवान नीचे की तरफ खोदते हुए चले गए, चलते गए, कोई एंड पॉइंट दिखाई नहीं, उनको भूख लग गई, वो टायर्ड हो गए, वो वापस आ गए ग्राउंड जीरो में। सिमिलरली क्या होता है, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चलते जाते अपने राजहंस की सवारी में, वो भी इस तरह से टायर्ड हो गए, उसका अंत तो दिखा नहीं, क्योंकि शिव का तो कोई अंत ही नहीं है, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, इन्फिनाइट है वो, तो कोई अंत ही नहीं दिखा। तो जब वो ऊपर जाकर थक रहे थे, तब एक जैस्मिन का फूल, जो मल्ली फूल होता है ना, मल्ली फूल, मल्लिका फूल होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैस्मिन का फूल होता है, वो गिर रहा होता है। वो जैस्मिन के फूल को वो रोकते हैं और कहते हैं आप कहां से, तो कह रहे कुछ भक्तों ने मुझे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था, एक हवा का झोंका आया और मैं गिर गया। तो ब्रह्मा जी अपनी इंट्रोडक्शन देते, कहते हैं कि देखो मैं ब्रह्मा हूं, पूरे सृष्टि का रचयिता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, अगर आप देखो ऐसे हमारे विष्णु जी के साथ एक बहस छिड़ गई है, अगर आप मेरा साथ दो तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको महान बना दूंगा, सारे फूलों में टॉप बना दूंगा, हमेशा पूजा पाओगे, और आपको सिर्फ यह बोलना है कि मैं ऊपर तक गया था और आपको शिवलिंग के ऊपर से लेके आया। कब कब आते हुए स्वर में जैस्मिन डर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपना इतना तगड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो डर तो जाएगा ही, कोई भी डर जाएगा, तो वो राजी हो जाते। तो ब्रह्मा जी और वो फूल दोनों आते हैं ग्राउंड जीरो पे। ग्राउंड जीरो पे जब आते हैं तो विष्णु भगवान से पूछते हैं ब्रह्मा जी कि आपको छोर मिला, तो विष्णु भगवान कहते हैं नहीं, छोर तो मुझे नहीं मिला, मैं तो गया 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 नीचे की तरफ, चलता चला गया, लेकिन इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, मुझे तो नहीं मिला, और मुझे भूखा प्यासा था तो मैं तो वापस आ गया। ब्रह्मा जी से पूछते हैं आपको मिला, ब्रह्मा जी कहते हाँ मेरे को तो मिला, मैं तो शिव जी से मिला भी, मैं शिव जी से मिला, हाथ में मिला, हाय हेलो किया, नमन किया और वापस आ गया। तो विष्णु भगवान कहते हैं इसका क्या प्रूफ है आपके पास कि आप गए थे, लास्ट तक आप गए थे, इसका क्या प्रूफ है। तो कहते हैं तुम विष्णु बहुत शक्की हो, मुझे पता था तुम बहुत शक्की हो, तुम मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, इसलिए देखो ये मैं मल्लिका का फूल, ये जैस्मिन का फ्लावर लेके आया हूं, मैं भगवान शिव के लिंग के ऊपर चढ़ाया गया जैस्मिन का फूल लेके आया हूं, देखो ये फ्लावर है। तो विष्णु भगवान चिल्लाते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं तुम झूठे हो, ऐसा कैसा हो सकता है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, तुम उसके एंड पॉइंट पे पहुंच गए हो। तो वो
कह देते हैं, वो श्राप दे देते हैं जैस्मिन वाले फूल को कि आज के बाद मेरे पूजा में कभी जैस्मिन का फूल नहीं चढ़ेगा, मेरे पूजा में कभी जैस्मिन का फूल नहीं चढ़ेगा। तुम देखना आज की डेट में भी कोई जैस्मिन का फूल कभी भी विष्णु भगवान को अर्पण नहीं करता। और वो क्या करते हैं, अपना चक्र निकालते हैं और कहते हैं ऐसे झूठे भगवान कैसे सृष्टि का रचयिता होंगे, कैसे सृष्टि करता होंगे। तो वो एक सर जो है, जिस सर ने झूठ बोला था ब्रह्मा जी का, वो उस सर को वो छेदन कर देते, काट देते वो अपने चक्र से। तो ब्रह्मा जी के पास पांच सर हुआ करते थे, इसके बाद चार ही रह गए। तो इस तरह का एक मान्यता है, कई मान्यता है, कई फोकलोर से पुराणों में इनके मेंशन है। कोई ये कहता है कि शिव भगवान जब तांडव कर रहे होते हैं, अगर आपने तांडव को देखा होगा ना, तांडव नृत्य जब कर रहे, एक पोर्शन लाइटर होता है, एक पोर्शन डार्क होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तुम्हारा क्रिएटिविटी शो करता है, क्रिएशन शो करता है, क्रिएटिव एनर्जी शो करता है, भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी शो करता है। तो ये दोनों का मिलन जब हुआ, ये तांडव हुआ, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का डिस्ट्रक्शन, सब कुछ शिव है, ये मानना है। तांडव जब करते वो शिवरात्रि है। किसी किसी का तो यह मानना है कि शिव और पार्वती का मिलन जब हुआ, उनकी शादी जब हुई, तब महाशिवरात्रि मनाया जाता है, जब शिव ये शो कर रहे, शिव ने ये शो किया कि वो अर्ध नारीश्वर का रूप ले लिया। दोनों एनर्जीज, दोनों सेक्सेस, जैसे मेल और फीमेल एक साथ आ गए, वो शिवरात्रि हुआ। अब आज की डेट में अगर दो सेक्सेस कहोगे तो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि अदर सेक्स भी आ गया। चलो ये तो पुराणों में था नहीं। अब कोई किसी किसी का यह मानना है कि जब सागर मंथन हुआ था, जो विष निकला था, जो हलाहल निकला था, जो गरल निकला था, उसको जब शिव ने पान किया, वो नीलकंठेश्वर बन गए, और वो तुम्हारा, वो शिवरात्रि का सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लाइफ में, कि सारे नेगेटिव एनर्जी को भगवान ने अपने अंदर समा लिया है, तो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव ही छोड़ दिया है। या आप भगवान, आप शिव की पूजा करो, शिव की आराधना करो, जितनी नेगेटिविटी है आपके अंदर, जितने भी आपके दुश्मन है, नेगेटिविटी है, जो भी आपके बैड थॉट्स है, डिप्रेसिंग थॉट्स है, उनको आप पी जाओ, ये स्ट्रगल को एंजॉय करो, और आप जो है आप सक्सेसफुल होकर निकलो। तो ये किसी किसी का मानना यह है, और किसी किसी का मानना यह है कि जब शिव क्या होते हैं, जब कैलाश पर्वत पे जाके वो बिल्कुल स्थिर हो जाते, बिल्कुल स्थिर हो जाते, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, उनका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा हो जाता है, तब ये शिवरात्रि कहलाता है। जो योगिक पोजीशन में होते हैं, जो योगा करते हैं ना, इसको बहुत मानते हैं कि यहां से तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है, इनर मेडिटेशन स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल मेडिटेशन के साथ इनर मेडिटेशन भी स्टार्ट होता है, क्योंकि एक्सटर्नल मूवमेंट जीरो हो जाता है, आप इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते हो। यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो शिवरात्रि, जब ये पुराणों में जब मेंशन था ना, तब 365 फेस्टिवल्स होते थे हिंदू धर्म में, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते थे, कोई सोइंग के लिए, कोई रिपिंग के लिए, कोई विक्ट्री मनाने के लिए। तो शिवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल बना, शिवरात्रि क्योंकि लूनर कैलेंडर से चलता है, हिंदू धर्म तो लूनर कैलेंडर से चलता है, तो लूनर कैलेंडर में 12 शिवरात्रि होते, 14th डे लूनर कैलेंडर के न्यू मून से पहले जो है तुम्हारा ये क्या होता है, ये तुम्हारा शिवरात्रि होता है। इस शिवरात्रि में जो तुम्हारा विंटर के एंड में आता है और समर से पहले, जो ये फरवरी मार्च के महीने में आता है, इसी को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। तो महाशिवरात्रि का चाहे जो भी सिग्निफिकेंस रहा हो, चाहे जो भी लोक कथा सच हो, ये तो किसी को नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब लोक कथाएं हैं, पुराणों में इनका जिक्र है, लेकिन एक मैसेज बहुत तगड़ा देता है, मैसेज ये देता है कि देखो, लाइट का सोर्स 1% हो सकता है, लेकिन डार्कनेस जो है वो कायम रहेगा। इनफैक्ट देखो, लाइट का सोर्स क्या है, सूरज है सबसे बड़ा लाइट का सोर्स। अगर सूरज के आगे आप हाथ भी रख दो ना, तो पीछे उसकी परछाई आ जाएगी, लेकिन अंधकार को आप कैसे रोकोगे, अंधकार तो रुकेगा ही नहीं ना, अंधकार चलता जाएगा, इन्फिनाइट है वो। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, अंधेरा तो हमेशा रहेगा, कायम रहेगा, अपने अंदर वो जो नेगेटिविटी है ना, उसको संभालो, अपने स्ट्रगल में ये नेगेटिविटी संभालो, क्योंकि नेगेटिविटी तो लाइफ में आएगा ही आएगा, डिप्रेशन आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, शत्रु आएंगे, तो उन सबको अपने अंदर संभालो और अपने उस 1% के लिए स्ट्रगल करो। जीत बिल्कुल आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। ये बहुत जबरदस्त थॉट है, महाशिवरात्रि वाले दिन सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया है। बच्चों जुड़े रहना मेरे से,
इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स, मोटिवेशन, नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड चीजें इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और तो और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।